Yeah, what's up? This is Pawan Tiwari and welcome back to Unstoppable Always. So आज सुबह के बज गए हैं 8 और हम उठ चुके हैं. नींद हमारी पूरी हुई नहीं है क्योंकि रात में लेट सोए थे. अभी निकल रहे हैं फिलहाल हम हॉस्पिटल के लिए. थोड़ा सा लेफ्ट लेग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, स्वेलिंग आ रही है, जिस चक्कर में मेरा पैर बैठ नहीं हो पा रहा है, अब मैं बैठ नहीं पा रहा. तो अभी जाते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं क्या सीन है, बताएंगे हॉस्पिटल वाले. और चलो फिर चलते हैं. ले ये पेपर चेक कर ले, एमआरआई रिपोर्ट जो भी है. इसमें तो होंगे ना, एक रुको इसमें निकाल दे उसको. ठीक है, अच्छे से साफ कर दी गीले कपड़े से. जल्दी जल्दी में क्या समझते हो? कैब का इंतजार करते हुए कैब पता नहीं कब तक आएगी. और ये बहुत ये देखो है यार, मल तो हो रहा मात कर रही हूं. चढ़ गया क्या तू? रहे हो कैब का वेट कर रहे हैं, धूप इतनी हो रही है. आपको ना लात रखवानी थी, फिर आपको वैसे तो ये देखो गाइस कितना बढ़िया व्यू आ रहा है. नहीं खुल रहा ना, वही तो दिक्कत है, कब से खड़े हैं. ये अपना बुराड़ी पुस्ता है सन नगर का, वापस हो गया ना. कितना बढ़िया एरिया है. हाँ अभी आप आधे घंटे सुबह निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए. देखते हैं क्या सीन रहता है हॉस्पिटल जाके, क्या बोलते हैं डॉक्टर. बाकी मम्मी क्या लग रहा है? पर्चा बन चुका है और हमारी इंतजारी. हाँ पर्चा बनवा लेना जो जाती और है. और क्या लग रहा है? नहीं तो वहाँ पे एक घंटा परेशान हो जाओगे आप. हाँ बोली मेरे, बोलो क्या लग रहा है तुमको? अब तो वहाँ जाके पता चलेगा क्या लग रहा है. यहाँ कैसे बताए? हाँ, अभी क्या बताए, फिर पर्चा बन गया है. अब देखो डॉक्टर मिलते हैं क्या होते हैं, बस देखते हैं. वहाँ जाके पहुँचते हैं, अभी इतनी गर्मी हो रही है एक तो बहुत, और डॉक्टर वैसे ही 10 बजे आते हैं. गर्मी भी बहुत है और हम निकले हैं, अभी देखते होंगे जाम भी लगेगा. अभी तो कितना रास्ता है, इस साइड भी काफी टाइम बाद निकले हैं. ये भैया मिले हमें, बहुत बढ़िया. हेलो बोल दो भैया. हेलो भाई. हाँ भैया का नंबर लेंगे यार, भैया बहुत अच्छे हैं. बाकी जाते रहते ना हम. हाँ तो आगे निकलेंगे तो भैया अभी यहीं रहता हूं कोसी में. हां फिर इजी रहेगा हमारे लिए, कभी भी कहीं भी जाना हो आ जाओ. नंबर ले लेना. तो चलो देखते हैं आगे कुछ दिखता है तो. ये देखो यहाँ पे मेट्रो बन रही है. यहाँ पे कैसा कर दिया, पहले जैसा लग रहा है यहाँ का व्यू ना. यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, घर से बाहर निकलते ही बस. So guys, पहुंच गए हैं फाइनली एल एन जे पी
हॉस्पिटल। हेलो, तो देखते हैं अब। हेलो, अंदर जाके क्या बोलते हैं डॉक्टर, दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ, क्या होना है। ये तीन है, इसके बाद चार आएगा, पांच आएगा, फिर छह आएगा ना, तो छह नंबर पे चलेंगे। गेट नंबर मिस हो गया, आगे आ गया, बैग ले रहे हैं। हैं? चलो चलो चलो। मम्मी की हालत खराब होगी गर्मी से। चलो चलो। मैं उतर जाऊँ, मैं करूँ। आगे बत्ती पे फंस जाएंगे हम अंकल, आगे इसलिए नहीं गया मैं उधर से, कामा का ही फंस जाते उधर से भी निकलने का है। हाँ हर मगर वही है ना, टाइम लगेगा क्या करेगा। जीबी बंद का गेट है ये, यहाँ जीबी बंद का गेट लिखा हुआ है। इसके अंदर ये जीबी बंद का तो गेट है, ये गेट नंबर 7 है, 6 नंबर वहाँ वो एक लिखा है। नहीं सीधे आगे पीछे वाले गेट कह रहा हूँ, एक औरतों का गेट यही तो है, पर यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री आगे से होती क्या? आगे आगे इसके पीछे वाले में डालो। आप बताओ इसमें डालूं? हाँ। अच्छा हाँ, अब याद आया। दांत भूखी की तूने? अब याद आया, यहाँ से होती थी एंट्री। है हमने पहचान लिया वहीं से। एंट्री हो गई है, एग्जिट का भी यहीं से है। हाँ भाई ओके। मैंने एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने कहा बढ़िया बहुत बढ़िया काम है ये, तो मैंने कहा भाई ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो हॉस्पिटल बंद है। इस वाली से आ जाइए, इस वाली से ये आ रही है, देख दूसरी वाली देखो। ये सारे मुझे ऐसे भी देख रहे हैं, कह रहे हैं ये बंदा तो फिट है लेकिन व्हीलचेयर पे क्यों बैठा है, उनको ताज्जुब हो रहा है, इसलिए गौर से देख रहे हैं। सारे मुझे देखने पे लगे हैं, जहाँ को भी यार भीड़ बहुत है। एक तो कह रहे हैं घूमने तो नहीं आए हैं व्हीलचेयर में। हेलो काला सा, पता नहीं उसको भी जानता हूँ मैं, तो वही डॉक्टर को दिखाया है, उसका नाम बोल के भेजा है उसके हरियाणा वाले की दुकान जिसने बड़ी कर दिया। वो मान नहीं रहा यार, मैंने यहाँ बतेरे केस देखे ऐसे, बंदे कहते स्टार्टिंग में कहते कर दो और फिर कुछ हो जाता, कहते वो डॉक्टर ने केस भी काट दिया। सुन एक बात सुन, जब वो कह रही है तू इतना उसको बता रहा हूँ, कह रही है कि अगर इतना भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो आ सकता है। अरे तो भाई वो तो आ भी जाएगा, तो फिर परवाना ही है वो बात की, बात नहीं है तो हमेशा रहेगा। खाने में डाइट में क्या क्या देते हैं उसको? जो मर्जी इसका डाइट में मेरी बात सुनो, इसको इसकी डाइट यहाँ चावड़ी बाजार से कहीं से बनवा के लाना है, इसकी डाइट बनवाना पूरी बादाम से, ये वो लाना, सारी चीजें होती है। रिस्क लाओ, उसको दो दो चम्मच। रिस्क तो हमेशा रहेगा, ऊपर तब भी रहेगा, अब भी रहेगा, वो पैसों बैठे रहेंगे। तो गाइस डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें रिस्क भी बता रहे हैं। अच्छी है यार ये वाली, मतलब तो लेंगे इनके पास। अब ये एक्सरे करवा के ला रहे हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या होता है, डर लग रहा है। आंटी फिक्स रहती है जंगल। हाँ मैं बोलता हूँ जल्दी करवा देंगे, भूख लग गई है, भूख लग गई है। अब भूख लगी, खाना खाएंगे क्या करेंगे? ये खाना नहीं, हम खेल रहे हैं, पता नहीं हुआ है तो बोल दिया हम एक्सरे कराने गए, पापा छोले भटूरे खा के आ गए थे देर में, मम्मी ने मौके का फायदा उठा लिया। तू भी चल जाती तो तुम्हारी थी जी, क्या पता इनका पेशाब बना रहा हूं।
कौन सा एरिया था? चौथी मंजिल पे ये पूरा वो खाली आज लोगों का क्या होता ना ऑफिस होता है इतने लोग होते हैं हमारे को पता नहीं ऑपरेशन के दिन वो पूरा हमारे लोगों से पूरा वो डिपीसी भी पड़ी पड़ी है मेरे को तो गार्ड कह रहा था करा भाई कितने रिश्तेदार हैं यार तुम्हारे मम्मी बता रही हैं वही तो मम्मी बता रही जितनी मेरा ऑपरेशन था दिन ये पूरा एरिया भर गया था मुझे तो पता नहीं मतलब मैं तो ऑपरेशन में था 6 घंटे मेरा ऑपरेशन चला तो मम्मी ने बताया कि मेरा पूरा कहते हैं जितना भी राउंड है पूरा भर गया था हमारे रिश्तेदारों से उसने भी सुना वही तो इनके दोस्त से लेके हमारे रिश्तेदारों से लेके गली वालों से लेके मेरे पापा ने कितने को तो एड्रेस ही नहीं दिया यहाँ मेरे गार्ड के साथ लड़ाई हो रही है और वो कह रहा है मैं छुट्टी करा दूंगा तुम्हारी है तुम बताओ यहाँ उसके बाद घर देखते तुम बाप रे ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूँ सो गाइस निकल गए अब हम घर के ओर और डॉक्टरों ने बताया ऑपरेशन के लिए और रिस्क भी बताया थोड़ा तो देखते हैं अभी घर जाके डिसाइड करते हैं क्या करना है और कब करना है तो बने रहें देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय